कहते हैं उम्र बीत जाती है आशियाने बनाने में, लेकिन इस बेदर्द प्रशासन को शर्म नहीं आती इसे ढाने में। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। रिंग रोड कहा जा रहा था, रिंग रोड जम्मू में विकास की नई इबारत लिखेगा, लेकिन ये इबारत लिखने से पहले इस रिंग रोड ने कई लोगों की जान ले ली और कईयों के आशियाने तबाह कर दिए। एक और मामला बिश्नाह से सामने आया है, क्योंकि कुछ महीने पहले भी हमने देखा था कि वहाँ पर किस तरह से एक परिवार का जब मकान तोड़ दिया गया, क्योंकि वो रिंग रोड में आ रहा था, उसे ढा दिया गया प्रशासन की तरफ से, तो एक ही परिवार में दो लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। अब एक और मामला ऐसा ही सामने आया है कि रघुवीर सिंह के घर का जो है वो उसे ढा दिया गया है बिश्नाह में ही। और लोगों का ये आरोप रहता है, इससे पहले जब हरबंस लाल के घर में ऐसा हुआ था, उनका घर तोड़ा था, पहले उनके बेटे ने आत्महत्या की थी, फिर उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला। जबकि कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बाकायदा मुआवजा जो है वो जम्मू के मुताबिक ज़्यादा दिया जा रहा है और समय पर उन्हें मुआवजा भी मिल गया है जिन लोगों की ज़मीनें इस रिंग रोड में आई थी। लेकिन जम्मू में हालात जस के तस हैं, किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई कीमत उस मकान की नहीं डाली जा रही है जो मकान, जो आशियाना एक परिवार ने अपनी पूरी उम्र की मेहनत से बनाया होता है। बिश्नाह में रघुवीर सिंह का जो घर तोड़ा है, हाल ही में कुछ दिन पहले उनके घर को तोड़ दिया क्योंकि वो जो घर था वो रिंग रोड के जो रास्ता है, जो सड़क बन रही है उस सड़क मार्ग में वो आ रहा था, उस रास्ते में आ रहा था, उनकी जो ज़मीन थी, उनका जो घर था, और प्रशासन ने उसे गिरा दिया। और प्रशासन पर ये जो परिवार है उसका आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दिया, क्योंकि एक दिन पहले उनका कहना है, एक दिन पहले उन्होंने नोटिस लगाया और दूसरे दिन उसे तोड़ दिया। जबकि परिवार का ये भी आरोप है, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील की थी और जिसके लिए उन्होंने समय की मांग की थी, क्योंकि अभी कोविड है, कोविड के चलते लोग नहीं कोर्ट में जा पा रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो उसमें थोड़ा समय हो गया। लेकिन इस प्रशासन ने उसने इस चीज़ को नहीं समझा कि ये एक आशियाना जिस इंसान ने बनाया है उसने पूरी उम्र की अपनी मेहनत जो है, खून पसीने की कमाई जो है वो यहाँ पर लगाई है, क्योंकि उनको विकास करना है और विकास चाहे वो इंसान को नुकसान पहुँचा कर हो, चाहे वो किसी की जान जाकर किया जाए, इस प्रशासन को, इस बेदर्द प्रशासन को किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि जब ये प्रोजेक्ट आया था इसमें बाकायदा ये कहा गया था कि विकास तो होगा लेकिन जिन लोगों के घर आएंगे, जिन लोगों की ज़मीनें आएंगी, उन लोगों को बाकायदा इसका जो है मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसान हो या फिर आम इंसान हो, उस जिसका भी घर या ज़मीन इसकी जद में आए हैं, उनको अभी भी जम्मू संभाग की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू में जहाँ पर, जहाँ से ये रिंग रोड होकर निकलेगा, वहाँ पर जिस चीज़ की ज़मीन आई है, लोगों का यही आरोप है कि किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला है। अगर मिल रहा है तो वो मुआवजा ना के बराबर है, क्योंकि जो रेट उनकी ज़मीन के हैं, जो उसकी कीमत है, वो कीमत उनको नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, ऐसे में सवाल इन सियासी पार्टियों पर उठता है कि आखिर ये सियासी पार्टियां सिर्फ सियासत क्या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपनी कुर्सी को पाने के लिए करती हैं? क्या इनको ये नहीं लगा कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रिंग रोड जहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर जिन लोगों के घर आ रहे हैं, जिन लोगों की ज़मीनें आ रही हैं, करोड़ों की ज़मीनें जो हैं इस जद में आई हैं, किसानों पर वैसे ही किसान परेशान है, उस पर वैसे ही मार है, बिचौलियों ने उसको वैसे ही उसका खून चूसा है, और अब ये प्रशासन, ये बेदर्द अधिकारी जो बाबू लोग अपने एसी वाले ऑफिस में बैठकर आदेश करते हैं, उनको किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो नेता लोग हैं, चलिए बीजेपी का तो लोग कह रहे हैं बीजेपी ने दगा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया, और बीजेपी की सरकार है केंद्र में, बावजूद उसके उनके इनके जो लीडर्स हैं, जो यहाँ पर लोकल नेता हैं, वो नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, ये मान लिया उनकी नहीं चलती है। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष भी मूक बना हुआ है। क्या विपक्ष के लिए ये मुद्दा नहीं है, इसलिए ये विपक्ष सामने नहीं आ रहा है? आप कई ऐसे मुद्दे देख लीजिए
जिस पर विपक्ष खामोशी अख्तियार किए हुए है। ये माना जाए आज बीजेपी जो जिसकी सरकार है केंद्र में, वो आज यहाँ पर इस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर है, लेकिन कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, ये इनका नामो निशान तक कहीं नहीं नज़र आता। और इनसे जब सवाल किया जाता है तो अगर ये इनका एक ही जवाब होता है कि अगर हम बोलते हैं तो हमें जेलों में बंद कर दिया जाता है, हमें नज़रबंद कर दिया जाता है। तो जनाब अगर नज़रबंद कर दिया जाता है तो नेता लोग हैं आपको इस जनता के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जब आप वोट मांगने आते हैं तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं और उन दावों को पूरा करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि वोट लेने के लिए आप कुछ भी करते हैं तो इसके लिए भी कुछ भी करना पड़ेगा। और विपक्ष पर शर्म आती ऐसे विपक्ष पर, और कैसे ये नेता हैं जो अपनी जनता के लिए बाहर नहीं आ पाते हैं। कई ऐसे नेता वहाँ पर जो खुद को किसान नेता बताते हैं, वो भी घरों में दुबके हुए हैं, वो भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो है सुखनंदन चौधरी, उन्होंने कई बार हमने देखा, उन्होंने रिंग रोड के मसले को लेकर अपने ही सरकार के खिलाफ भी बोला, उन्होंने इस प्रशासन के खिलाफ बोला कि जो मुआवजा है उक्त मुआवजा जो है वो दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए एक परिवार, ये जो घर तोड़ा गया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिश्नाह में एक और घर जो है उसे तोड़ा गया है, परिवार जो है वो सदमे में है। हमने बात करने की उनसे कोशिश भी की, हालांकि परिवार इतना सहमा हुआ है, उनका कहना है कि अभी हमें एक रुपया भी मुआवजा जो है प्रशासन ने नहीं दिया, और इतना बेदर्द और इतने बेरहम ये प्रशासनिक लोग हैं कि इन्होंने उस घर को ही ढा दिया, जबकि एक दिन पहले आप नोटिस लगाते हैं, कम से कम एक हफ्ता या 15 दिन का टाइम आपको देना होगा, आपको इतना समय देना होगा, तभी जाकर अगला इंसान जो है वो अपना जो सामान है या जो अपना बंदोबस्त है वो कर सकता है, क्योंकि इस महामारी के समय में कोई किराए पर भी आपको अपना घर नहीं देगा। अब एक इसमें और सवाल खड़ा होता, हमने कई ऐसे सड़कें देखी हैं, कई ऐसी जगहें देखी हैं जहां पर अगर किसी बड़े नेता का या किसी बड़े किसी बिजनेसमैन का कुछ उस तरह का कोई होटल आता है या उस तरह का उसका कोई घर आता है, वहाँ से डाइवर्शन दे दी जाती है, चाहे वो पुल हो या फिर वो सड़क हो, वहाँ से डाइवर्शन, वहाँ पर मंथन होता है। क्यों नहीं इस पर भी कोई मंथन किया गया कि जहाँ पर जिसका आशियाना आ रहा है, चलिए आप ज़मीन जहाँ पर है ज़मीन आप ले लीजिए, आप उसका मुआवजा दे दीजिए, लेकिन किसी का आशियाना तोड़ना, आशियाना बनाना एक बड़ा बेहद ही इंसान के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होता है आज के दौर में। और जिस व्यक्ति का आशियाना टूटता है उस पर क्या बीतती है वो वही जानता है। क्यों नहीं जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनसे मिलकर, उनसे बैठकर जो प्रशासन ने एक उन्होंने रणनीति बनाई ताकि उस पर मंथन किया जाता कि और कोई उसका हल निकाला जाता, ऐसा लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस रिंग रोड ने बिश्नाह में 2 लोगों की जान ले ली, एक ही परिवार के 2 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली, इसकी जिम्मेदारी क्या कोई लेगा? क्या ये प्रशासनिक अधिकारी, ये बाबू लोग जो अपनी बड़े बड़े ऑफिसिस में बैठते हैं, एसी वाले ऑफिसिस में बैठते हैं और सिर्फ बातें इनकी वही होती हैं कि हम लोग जम्मू का विकास कर रहे हैं, ना तो नेता इस विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं और ना ही ये प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि इन्हें अपनी अपनी नौकरी से मतलब है, इन्हें अपने वेतन से मतलब है और जनता की भलाई इनको बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखना यह है कि क्या इस जो ये हो रहा है विकास के नाम पर जो आशियाने ढाए जा रहे हैं, जिन लोगों पर ये प्रताड़ना की जा रही है, क्या उनके लिए ये विपक्षी नेता बाहर आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है उनकी तो ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है, वो उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझेगा और वो बाहर आएगा?